हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये क्विक नाश्ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शेजवान पनीर कुलचा। पनीर कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। मक्खन डालने के साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप महीन कटी हुई प्याज। मैं ये 3 कुलचों के हिसाब से फिलिंग बना रही हूँ। प्याज को करीब 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे, केवल ट्रांसपेरेंट करना है, लाल नहीं करना है प्याज को। अब फ्राई पैन में डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब अदरक और 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते दोनों को स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून महीन कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब महीन कटा हुआ टमाटर। सभी चीजों को थोड़ा महीन महीन काटें, बहुत ज्यादा मोटा मोटा ना काटें। 1/4 कप शिमला मिर्च और 1/4 कप कॉर्न, ये फ्रोजन कॉर्न है। अगर आप फ्रोजन कॉर्न की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये इतनी कलरफुल रेसिपी है, जितनी देखने में कलरफुल और टेम्पटिंग लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी है। मैंने मैदे के कुलचे लिए हैं, आप चाहे तो आटे वाले कुलचे ले सकते हैं या आप इस फिलिंग को ब्रेड के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड सैंडविच भी बना सकते हैं इस फिलिंग से, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। मैंने 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाला है इसमें और 2 टीस्पून शेजवान सॉस डालेंगे। आप शेजवान सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और अगर बिल्कुल बाजार जैसा आपको कलर देना है इसमें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर और डाल दें। सॉस को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पनीर, ये ग्रेट किया हुआ 1/2 कप पनीर है। पनीर को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि सॉस डलेगी, कुलचा है तो सभी चीज में नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हल्का ही डलेगा और इस पे टमाटो केचप भी लगेगी, तो इसके लिए नमक को बहुत हल्का सा डालें क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब पिज्जा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज्जा सीजनिंग नहीं है उसकी जगह पर मिक्सर्स डाल सकते हैं या ओरिगेनो डाल सकते हैं। फिलिंग बन करके तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। फिलिंग को एक बॉल में कर लेंगे इस तरीके से और ठंडी हो जाने देंगे। कुलचे के ऊपर जो सॉस को स्प्रेड करना है तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज और टमाटो केचप, दोनों को बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लिया है और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो आप इसमें शेजवान सॉस मिला सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है तो आप इसमें टमाटो केचप की जगह हरी चटनी भी ले सकते हैं। स्प्रेड तैयार हो गया है। फिलिंग थी वो ठंडी हो गई है, मैंने फ्रिज में रख दी थी तो जल्दी ठंडी हो गई है। अब इसमें मिलाएंगे ग्रेट की हुई चीज, ये 1/2 कप के करीब चीज है, प्रोसेस चीज है। फिलिंग को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इसमें चीज मिलाएं, नहीं तो अगर गरम गरम में चीज मिला देते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है तो कुलचे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसमें चीज अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 कप तक चीज डाल सकते हैं। ये मैंने लिए मिनी कुलचे, छोटे वाले कुलचे, आप चाहे तो बड़े वाले कुलचे भी ले सकते हैं। पहले कुलचे के ऊपर लगाएंगे मेयोनीज और टमाटो केचप वाला मिक्सचर। 2 कुलचों के ऊपर मेयोनीज और टमाटो केचप वाला मिक्सचर लगा लेंगे। अब पनीर चीज वाला मिक्सचर लगा देंगे और पूरे में पनीर को अच्छी तरीके से लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा कुलचा लेकर के पनीर के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो मक्खन में भी सेक सकते हैं इसको, चाहे तो आप घी में भी सेक सकते हैं और चाहे आप गार्लिक बटर में सेक सकते हैं। तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें इसको सेक लें। मैं गार्लिक बटर में सेक रही हूँ। मैंने बटर में थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, उससे कुलचे को सेक रही हूँ। बटर को स्प्रेड कर देंगे पूरे में। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में गार्लिक बटर लगा दिया है। मैं इसको ग्रिल पैन में सेक रही हूँ। आप चाहे तो सादा तवे पर भी सेक सकते हैं या आपके पास ग्रिल टोस्टर हो उसमें सेक सकते हैं। जिसमें भी आपका मन हो उसमें आप इसको सेक सकते हैं। तो जिधर की तरफ मक्खन लगाया है उसको नीचे की तरफ करके इस तरीके से कुलचे को रख देंगे पैन के ऊपर, और दूसरी तरफ भी हल्का सा बटर लगा देंगे इस तरीके से, और गैस को मीडियम टू स्लो हीट पर रखेंगे जिससे कि कुलचा अच्छी तरीके से सेक सके और जो अंदर चीज है वो हल्की सी मेल्ट हो सके।
आप चाहे तो इस तरीके से इस स्पैचुला से हल्का सा दबा दबा करके सेक लें, और चाहे तो आप इस तरीके से एक प्लेट ले लें, प्लेट को कुलचे के ऊपर रखें, कोई भी भारी चीज को प्लेट के ऊपर रख दें, जिससे कि वो एक साथ दबेगा। एक साथ दबने से पूरे में एक बराबर सिकेगा, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम नहीं सिकेगा। इसको सिकने देंगे करीब एक मिनट के लिए, जिससे कि चीज भी मेल्ट हो जाएगी और कुलचा भी अच्छी तरीके से सिक जाएगा। और सेम तरीके से जितने भी आपको कुलचे बनाने हो फिलिंग करके इसी तरीके से बना लेंगे। और आप इसमें मोजरेला चीज़ डाल सकते हैं या आप स्लाइस चीज़ भी रख सकते हैं, जो आपको चीज़ पसंद हो। चीज़ आपके ऊपर है कि आपको कितनी रखनी है, कौन सी रखनी है। अब इसको एक बार पलट करके देखते हैं कि कैसा सिका है दूसरी तरफ। ये देखिए एकदम एक सार प्लेन हुआ है ये। अब कुलचे को पलटते हैं। ये देखिए पलटने के बाद कितना अच्छी तरीके से कुलचा सिका है, बिल्कुल एक बराबर कुलचा सिका है। वाओ, बहुत बढ़िया कुलचा सिका है। अब दूसरी तरफ भी सेम तरीके से प्लेट रख करके सिकने देंगे कुलचे को। एक मिनट के करीब हो गया है, देखते हैं दूसरी तरफ सिका है या नहीं सिका। वाओ, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी कितनी अच्छी तरीके से सिक गया है, यानी कि कुलचा सिक करके तैयार हो गया है। कुलचे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से जितने कुलचे आपको सेकने हैं उतने कुलचे सेक लेंगे। अब कुलचे को कट करेंगे इस तरीके से। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये कुलचा, तो आप भी इस कुलचे को जरूर बना करके देखें। दूसरा कुलचा भी सेम तरीके से सिक रहा है, दूसरा कुलचा भी सिक गया है। अब कुलचे को सर्व करेंगे, और इसके साथ आपको सॉस चटनी कुछ भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सभी चीज़ लगी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।